सवरिया सावरिया माननीय हमारे सम्मानित श्रोता सज्जनों, ये विरहा सामाजिक है तो पुरानी विरहा, लेकिन कुछ नया अंदाज करके इसको मैं आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूंकि इस विरह की फरमाइश भी बहुत तेज हमारे पास आ रही थी और ज्ञानवर्धक कहानी है, ये हर इंसान के जीवन की कहानी है, सोचने वाली बात होगी इस कहानी में, जरा गौर से सुनेंगे। वैसे ये विरहा मैं पंडित परशुराम म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। हमारे सहयोगी कलाकार हैं ढोलक पर मंटू जी, हारमोनियम पर हीरा लाल जी, कोरस पर बुतरू और अंगद यादव जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अनिल चौधरी जी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं अरुण राय जी। विश्वास है कि आप लोग इस विरह को पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद हमारे जैसे कदना कलाकार को जरूर देंगे। भूमिका में भाव दिया गया है, बुजुर्गन के अनुभव का चश्मा लगाइबा त जीवन में पैबा अमर ज्ञान ज्योति। बात बुढ़वन कहोले समुंदर से गहरी, जे गोता लगावेला पाजाला मोती। जवानी और मन, जवानी और मन बेसमझ हो लायान हर, जो बहकल त खतरा के घंटी बजाई। परशुराम पगजे बढ़ाई संभल के, कुशलता से जीवन उस सब दिन बिताई। बुढ़वन का शिक्षा है कि कौनो काम कैला से पहले ऊपर सोच विचार कर लेवे के चाहिए, तब्बे कदम आगे बढ़ावे के चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे वो स्थिति हो जाए। ऐसे सबके कदम सोच विचार के आगे रखे के चाहिए, या जे सोच विचार के कदम आगे रखल उस सब दिन सुखमय जीवन व्यतीत करे। एक लाइन ही हवा गीत लगत बा मास्टर तनी बढ़ा। आय हाय हाय रे, एक बात मेरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में एक बात मोरी सजनी, गठिया चुनरिया में ओ बिना मोल के दिख जाइबू, बिना मोल के दिख जाइबू माया की नजरिया में। गाना में भाव दिहल गइल बा, का भाव दिहल गइल बा,
एक चूक बुढ़ौती के, चूक माने गलती, एक चूक बुढ़ौती के बदनाम करा दिहल से। ना समझ जवानी के, ना समझ जवानी के सद ज्ञान बता दिहल से। यहीं से कहानी की शुरुआत है, भाव शेर में दिया गया है। लारे 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 ला राजा रूपक छद्म वेश के धारण कैलन, नगर कटोह लेवे खातिर नगर में गैलन, गली के मोड़ पर आवाज सुन खड़ा भैलन, सुनी का बात बाटे दिल में ऊ धीरज धैलन, निकल के घर से बाहर नारी एक आइल बा, द्वार पर बैठल बूढ़े बाबा पर गरमाइल बा, हरामी देर ना कर हुकुम बजावतू, घड़ा ल कुआं पर से पानी जाले आवा तू। घड़ा ले हाथ में बूढ़ा बेचारे चल भैले, घड़ा ले हाथ में बूढ़ा बेचारे चल भैले, भेद जाने बदे रूपक सिंह कुआं पर गईले। अब जरा बात समझ लें आप लोग, कहानी समझने में आसानी होगी। राजा रूपक सिंह अपना वेश बदल करके नगर का जायजा ले रहे थे कि आखिरकार मेरे नगर के लोग किस तरह से रह रहे हैं, मेरे नगर के लोग सुखी हैं या दुखी हैं, इस बात का जायजा लेने के लिए वो निकले थे। अचानक गली के एक मोड़ पर कुछ आवाज उनको सुनाई देती है और वहीं गली के मोड़ पर रुक जाते हैं, सुनने के लिए रुक जाते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। बड़ा गौर से कान लगा करके, ध्यान लगा करके राजा रूपक सिंह बात सुनने लगे और देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक औरत घर में से निकल करके बाहर आई है, दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उस बूढ़े को पर जो है लाल पीला हो रही है, नाराज हो रही है, गाली दे रही है और कह रही है कि हरामी का बच्चा तू बैठा है, चल मेरी आज्ञा का पालन कर। बुढ़ऊ कहला कि हाँ बोली, का कहतनी? वो औरत कहलस कि हई घड़ा लो, इनारे पर चल जा, पानी भर के ले आव। बूढ़ा बेचारे घड़ा लेहलन और कुआं पर चल देहलन पानी ले आवे बदे। राजा रूपक सिंह सोच गेलन कि आखिर लड़की ये औरत जवान बा, ये बूढ़ बाड़न, बुढ़वा के गारी देत बा, आखिर ये औरत हो कैसन, पता लगावल जरूरी बा।
कुआं पर पीछे पीछे राजा रूपक सिंह पहुंचलन। बुढ़ऊआ वही डोर लटकावत हुन घड़ा में फंसा के कुआं के अंदर। तब कहन कि ये दादा सुना 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 तनी एक बात हमके बता दा, आखिर उ औरत तुहार हो के तुहार बेटी हो कि कौनो बेस्या हो जौना के बस में तू हो गई बड़ो। अगर बेटी है तो गाली कहें देत बा तुहके, ये तरह का बदजुबान कहें बोलस। आ बेस्या हो तब वो कहे जौन बटे ये तरह का तुहके फरमाइश करत बा। बुढ़ऊ कहलन कि ये बेटा सुनो, ई मत पूछ कि हमारू बेटी है कि बेस्या है। कहल कि तब कहल कि सुनो, हम एक ही बात जानत नहीं, ये दुनिया में 3.5 प्रकार का चुतिया होलन। राजा रूपक सिंह कहल कि 3.5 प्रकार का चुतिया होलन, वो कैसन? तब बुढ़ऊ बतावे लगल राजा रूपक सिंह से, बढ़ा आई हाँ एक लाइन गीत लगत बा, वह गीत लगत बा। अरे ऊपर चढ़त मोरी बहिया मुरुकली, अब उतर के बेरी करी अइया कमर लचकवला ये हारी। ई तो गीत का नमूना बा, लेकिन वो बुढ़ऊर राजा रूपक सिंह से बतौलन का बतौलन के अखिया में आंसू लेके, अरे अखिया में आंसू लेके बोले ला मनैया, अब अखिया में आंसू लेके अरे बोले ला मनैया चुतिया, अरे चुतिया होलन 3.5 करमवा के ही नये बबुआ। साढ़े तीन प्रकार के चुतिया होलन बाबू, इतने जान लो। अब करे आगे ही मत पूछ कि वो हमारे बेटी है कि बेसिया है। राजा रूपक सिंह कहल कि 3.5 प्रकार के चुतिया होलन, कैसन चुतिया होलन, के होला तनी बतेब। बुढ़ऊ बतौलन का बतौलन कि घरवा में राखे जे पहला नंबर के श्रेणी के चुतिया ही होलन, के घरवा में राखे जे जवान बिटिनिया। पहले नंबर के श्रेणी का चुतिया इो होलन का कि नैहर में छोड़े नार चढ़ली जवनिया। हो गए कर्मऊगी कर्मऊगी हो गल नमकी न करमा के ही नये बबुआ। एक नंबर के श्रेणी का चुतिया होल जे जवान बहिन बेटी अपने घर में रखले बा बियाह शादी नीखे कर। आ एक नंबर का ही श्रेणी का चुतिया उहो होलन जे बियाह कैले बा गौना ना करोले बा, जवान दुल्हन अपन अपने ससुरारी में छोड़ ले बा, यानी दुल्हन ओकर जवान अपने नैहर में बा। कहलन कि ठीक, दूसरका नंबर के छुतिया के होला। तब बुढ़ऊ बतौलन का बतौलन कि बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा। दूसरका नंबर के छुतिया होलन जे बिना कोनो सरखत सबूत के बिना लिखा पढ़ी करोले केहू के पैसा दे। तब
हाँ बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा ते दूसरा नंबर छुतिया होल नैसा। मुह देखल पंच होल महीन करम के ही नये बबुआ तीसरका नंबर के चुतिया के होला बाबा। बुढ़ऊ कहलन के बाबू तीसरका नंबर के चुतिया वो होला जे मुँह देखल पंचायत करेला। मुँह देखल पंचायत करे वाला पंच लोग तीसरका नंबर के चुतिया होलन। राजा रूपक सिंह कहलन आय आधा नंबर वाला कहलन कि एक ना बताई पहले हमार बात ई बताओ तुहके विश्वास बा कि ना बा। राजा रूपक सिंह कहल कि ऐसे हम कैसे कह दें कि तुहार बात सो रहा ना साँचे बा। कहल कि तू जा पहले आजमाइश करके आव अगर हमार बात साँच होई तो हमारे पास आज ही हो हम तुहके बता दे कि आधा नंबर के चुतिया के होला आ ना साँच होई तो फिर आई हम तब तो हम खुदे झूठ हो जाए। बुढ़ऊ के बात सुन के राजा रूपक सिंह चल दहलन तेरी के भाव लगत बा कि अब हो वैलन साढ़े तीन चुतिया बिना विवेक नर। अरे बिना विवेक नर निज करनी पर रो वैलन बिना विवेक नर निज करनी पर रोवैलन हो वैलन साढ़े तीन चुटिया। राजा रूपक सिंह बुढ़ऊ के बात सुन के चिंता में पड़ गिलन तब भाव देवे के पड़ल के चिंता में भैलन राजा। अरे चिंता में भैलन राजा बिनु गवन नार ससुरारी बा वेश बदल के चल भैलन दिल में एक शंका भारी बा। राजा रूपक सिंह चिंता में पड़ गिलन कि ए भाई बुढ़ऊ कहलन कि पहला नंबर का चुतिया ऊ होला जे अपन जवान बहिन बेटी के बिना बियाहले घर में रखले बा आ पहल के नंबर का चुतिया ऊहो होला जे ब्याह कैले बा गौना ना करावत बा जवान दुल्हन के अपनी ससुरारी में छोड़ देले बा। तब ब्याह तो हमरो हो गई बा गौना ना भइल बा हमरो दुल्हन अपने नैहरे में बा तब आजमाइश करे के चाही। वेश बदल लेलन वेश बदल के राजा रूपक सिंह चल देलन ससुराल की ओर। नतीजा का निकलल के धीरे धीरे जाय पहुँचलन अब धीरे धीरे जाय पहुँचलन एक बनिया के द्वारी हो एक हजार रुपया दे कह देदा पूरी तरकारी हो कह देदा पूरी तर भेष बदल के बनिया का भेष बना के चल दहलन पहुँचलन ससुरारी में और ससुराल में थे बनिया के दुकान पर जाके बैठ गिलन हलवाई के दुकान पर जाके बैठ गिलन बिना कुछ कहले बिना कुछ जनले सुनले तुरंत जनबा फटाक से 1000 रुपया निकलन राजा रूपक सिंह। हलवाई के बोला के दहलन कहलन कि भैया तुहू हलवाई हमहू व्यापारी आदमी ये नगर में हम आई नहीं व्यापार करे का सिलसिला में हम यहाँ रुकब तुहरे पास कमरा बा कहें एकदम कमरा बा कहें तो बस तुहरे यहाँ रुकब हमके भोजन पानी के व्यवस्था तोह के करे के पड़ी जाए लगब हिसाब हो जाई जवन तुहार
आकी बाकी रही हम सब पूरा कह के जाई। 1000 रुपया लेके हलवाई धैलन अपने बक्सा में आ तौले राजा रूपक सिंह कहलन कि भैया सवेर के बेरा बा तन नाश्ता खातिर के पूरी सब्जी ले आओ। पूरी सब्जी ले आके हलवाई दे देलन आई बैठ के जौन बाटे खाठ हुआ पूरी सब्जी राजा रूपक सिंह तौले बगल में बैठल एक अजनबी कहलन भूप सुनाए इनहू के पूरी तरकारी दे द भाई लियाए। अचानक के अजनबी आदमी राजा रूपक सिंह के बगल में आकर के बैठ गया। राजा रूपक सिंह उस अजनबी से कुछ बोलते नहीं है, सीधे आदेश करते हैं हलवाई से, भैया हलवाई एक जगह और पूरी सब्जी लाइए। हलवाई पूरी सब्जी लेके अलन कहल कहाँ देवे के बा, कहलन कि बस यही बगल में दे दीजिए। आखिर वह अजनबी कहा राजा रूपक सिंह से, वो क्या जानता है कि ये राजा हैं, वो तो बनिया जानता है या कोई मुसाफिर जानता है। कहा कि भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन आप पूरी सब्जी दिलवा रहे हैं। राजा रूपक सिंह कहते हैं कि भैया मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार के सिलसिला में इस नगर में आया हूँ, व्यापार शुरू करना चाहता हूँ इस नगर में, एक मित्र की हमें जरूरत होगी ना जो हमें बता सके इस नगर के बारे में, इस नगर को घुमाकर दिखा सके और तब मैं निर्णय ले सकूं कि कौन सा व्यापार करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो आज से आप हमारे मित्र हुए, मैं आपका मित्र हुआ। पूरी सब्जी दोनों मित्र बैठ के अपन खैलन है, लेकिन राजा रूपक सिंह जौने समय वो अजनबी से कहलन कि हम यहाँ खातिर के अनजान बानी, वो समय के भाव बा गीत लगत बा, कवन गीत बा, हो कवना सव तिन पर, कवना सव तिन पर भूलैला हमार सजना, फागुन का महीना बीत गई, भर फागुन बलौते रह गई, दुल्हन परदेसी ना आइलन, आखिर होली जब बीत गई रह ना गई तो फिर जौन बाटे मोबाइल उठौलस आ मोबाइल पर अपना सैया से बतियावत के कहलस, का कहलस के कवना सब तीन पर भूलैला हमार सजना, कवना सब तीन पर भूलैला हमार सजना, राजा रूपक सिंह वो अजनबी बगल में बैठल आदमी से कहलन, का कहलन, अरे पानी हवा पर हम न जाननी तवा, हो चाहे मीत, चाहे मीत के करावे पहचान मितवा, चाहे मीत के करावे पहचान मितवा, पानी हवा पर हम न जान मितवा, अब मित्र हो गए लन दोनों जने। नाश्ता कैले के बाद राजा रूपक सिंह जवन हलवाई कोठरी देखौलन, वो कोठरी में गईलन, साथे साथे वो अजनबी मित्र भी गईलन।
पहला दिने केवल चर्चा भइल, ई चर्चा भइल कि कौन हम व्यापार कर सकेला। मित्र कहा कि आप यहाँ के लिए अजनबी हैं तो मैं आपको नगर घुमा करके दिखा दूंगा, बता दूंगा मार्केट में कि देखिए ये सामान बिक रहा है, ये सामान बिक रहा है, ये सामान बिक रहा है। अब आपको च्वाइस करना है, आपको चयन करना है कि कैसा व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा। कहें ठीक है, कल हम दोनों साथी निकलेंगे बाजार घूमने के लिए, देखने के लिए। दूसरा दिन है भैल का कि दूसरे दिन वो मित्र साथ ले, दूसरे दिन वो मित्र साथ ले चलले नगर घुमावे के, टहलावत बतलावत गईले राजभवन दिखलावे के। वो नगर का अजनबी मित्र कहला कि चला मित्र तो के नगर घुमा दई, नगर घुमावत टहरावत बतावत परिचय करावत आगे बढ़त जात बना, कहला कि चला जब निकली गई बनी जा तो तुहके राजमहल की ओर भी ले चली, राजमहल भी दिखा दें। राजा रूपक सिंह कहला कि हाँ भाई चला, एकदम तू हमारे मन का बात कह देहला। राजमहल की ओर लेकर के वो मित्र गईलन, आज मित्र लेके गईलन, अचानक राजमहल के द्वार पर एक थे खूबसूरत, बहुत सुंदर, अति सुंदर एक रूपसी जवान खड़ी बा। नजर पड़ल वो अजनबी का, वो लड़की पर, लड़की का नजर पड़ल वो अजनबी पर जेके राजा रूपक सिंह मित्र बनौले रह, दोनों मुस्की अला, दोनों ओर से मुस्की भई। आ मुस्किया के उ लड़की जौन बटे अंदर चल गई राजमहल में। राजा रूपक सिंह कहने कि अरे यार ये कैसी लड़की है जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा करके अंदर चली गई और तू भी मुस्कुरा करके रह गया। तब वो मित्र बतौलन, का बतौलन तनी सा बढ़ गीत लगत बाम, कवन गीत लगत बा, मरद मेहरारू के बीच का बात है, मेहरारू मरद से कहले या मरद मेहरारू से, मरद का मेहरारू मरद से का कहले। हमारी दुआरिया पर के बोले हो, हमारी दुआरिया पर के बोले हो, तनी खोला ना के वार। मरद जवाब का देले रहल, हम बोलिए धानी हम बोली हो, हम बोलिए धानी हम बोली हो, धानी खोलना के वा। लेकिन उस नगर का रहने वाला राजा रूपक सिंह का मित्र राजा रूपक सिंह से कहने लगा, क्या कहा, हथवा में नेहा दीरा चवल सिरे, हथवा में नेहा दीरा चवल सिरे, मितवा परदेसिया। कलियन पर भवरालू भवल सिरे, कलियन पर भवरालू भवल सरे, मित वापस
वो हमारी प्रेमिका है। राजा रूपक सिंह आवाक रह गए, उतर पति बनन, लेकिन जो सुनलन कि ये हमारी प्रेमिका है, कहल कि यार इसकी गदराई चढ़ी जवानी और ये तुम्हारी प्रेमिका है, आखिर इसका पति कहाँ है जो तुमसे प्रेम कर रही है। तब वो अजनबी मित्र राजा रूपक सिंह से कहा, क्या कहा? बड़ा बेवकूफ बाटे एक सजनवा, चढ़ली जवानी आना ले गईल गवनवा, नैहरे में रस छल कवल सरे, नैहरे में रस छल कवल सरे, नीता हुआ परदेसिया। मित्र ये राजमहल देख रहे हो ना, और ये बगल में जो घर दिखाई दे रहा है ये मेरा घर है। इसके पति को क्या कहूं मैं, एकर पति महा बेवकूफ, एक नंबर का चूतिया बा। बतावा बियाह कैलस गवना करावे के अब ओके ख्याले निखे, हे तरमस तरमस जवानी एकर करत बा, अरे जवानी में जोन बाटे ओके छोड़ ले बा, तो करी का फुरगुद्दी उड़ेबे न करी। बतौलस उस मित्र का बतौलस, नैहरे में पर गीता ऐसना सिंगार हो, नैहर का सिंगार है ऐसन सिंगार लड़की कुल अपने ससुरारी में जाके करेली, नैहर में ये तरह का श्रृंगार ना होके के चाहिए, लेकिन का कर पाओ हु को जवानी वो करे बस में बाओ। और बतौलन नैहरे में पराजित हाँ ऐसना सिंगार हो, यही टोलवा के हम एक यार हो, चान भर मवल सरे हो, चेहरा पे चान भर मवल सरे, मितवा परदेसिया। अब तक राजा रूपक सिंह के समझ में आ गेल कि सचमुच बुढ़ऊ जौन कहले रहलन कि जे जवान बहिन बेटी के बिना ब्याह कैले नैहरे में रखले बा अपने घरे रखले बा, उ पहला नंबर के चुतिया माता पिता होलन। आ पहले नंबर के चुतिया उहो होलन जे ब्याह कैले बा गौना निखे करावत जवान दुल्हन अपन छोड़ले बा ओकरे नैहरे में, तब तो हमहू जौन बाटे पहले नंबर के चुतिया हो गई। बुढ़ऊ का बात तो सोराहना साँच हो गई, कहलन कि भैया चला अब नगर तक करीब करीब घूम लेली देख लेली, आइडिया भी हमके मिल गई कि कवन हम बिजनेस करब तो हमके फायदा होई, चला अब आराम करब। लौट के अलन हलवाई के दुकान पर, थोड़े देर आराम कैलन, एकरे बाद हलवाई से जाके कहलन, हलवाई से आके कहलन, हलवाई से आके कहलन, काट ले अपन दाम, बचल जो पैसा वापस कैदा जाई भी अपने धाम। कहना कि भाई हलवाई, हम जवन सोच के अली है बिजनेस करे, लगता कि हमार बिजनेस यहाँ चली ओली, तो भैया हो जवन पैसा तोहके 1000 रुपया दे ले बानी, जवन कुछ हम खैले पियले बानी, हिसाब किताब कहला, जवन तुहार पैसा होके उ काट ला, जवन पैसा हमार बचत होके हमके वापस करा, अब हम जाइब अपने नगर। तब हलवाई कहलस कि खैला पियला रात बितवल, खैला पियला रात बितवल, उहो नाही चुकवला तू,
आ उलट चोर कोतवाल के डांटे झूठे बात बढ़ौला तू। हलवाई कहलस कि कैसन पैसा है भैया। राजा रूपक सिंह कहलन कि पैसा, अरे 1000 रुपया जो कलिया तो हकम दे में। कहलन कि ना रात बितौल हमरे घरे में, हमरे क्वार्टर में खैबो कैल, नाश्ता कैल, भोजन कैल, ठाट से आराम से बितौल रात। एहू का पैसा अब ही ना दिल आ तौले उल्टा पैसा मांगे लगल। राजा रूपक सिंह सोच गए कि ओहो हो हो, दूसर को नंबर के छुटिया में हम ही आके फंस गए। बुढ़ऊ कहले रहन कि बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा, दूसरा नंबर छुटिया होलन। बिना सरखत सबूत के, बिना लिखा पढ़ी के हम 1000 रुपया दे दिली, लेकिन उता आजमाइश करे खातिर दिले रहन ना। आखिर का सोचे लगलन राजा रूपक सिंह। राजा सोचे बुढ़ऊ वाली बतिया बतिया साचे बा, आ बिन सबूत हलवाई के नियतिया बतिया साचे बा। दिमाग में बात आ गई कि बस 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 तीसरको के आजमाई से ही पर कर ले जरूरी बा। सोचे लगल राजा कि मौका बा हम बात तीसरी, बुढ़ऊ के अजमाई बे हो हलवाई से कहले कि हम पंचायत बुलवाई बे हो। अवाक भैले देख पंच की गतिया बतिया साचे बा, आ पैर के नीचे से खिसकल धरतिया बतिया साचे बा। राजा रूपक सिंह कहना हलवाई से कि भैया देख पैसा हड़पो मत, आखिर ये ठीक काम नहीं खे, हमके मजबूरी हुई तो पंचायत बुलावे के पड़ी, पंच बुलावे के पड़ी। हलवाई कहना कि जा पंच बुला ला, देहला एको पैसा ना, उल्टे जौन बा पैसा मांगत हुआ। कहना कि ठीक तो हम बुलावत हैं। कहना एकदम बुला ला, शौक से बुला ला। अगल बगल का दू चार पांच लोगन के जौन बटे तौन बुलौलन मितवो बस संगवा। मितवो अब कुछ नहीं खे बोलत कि हाँ पैसा देहला कि ना देहला। पंच लोग अलन, उ हलवाई कहलन कि भैया एको पैसा देहलन ना, नाश्ता कैलन, भोजन कैलन, रात बितौलन, कौनो पैसा ना देहलन। ये झूठ बोलत हुअन कि 1000 रुपया देले हैं। राजा से पंच लोग कहलन कि तब आपके पास कौनो प्रमाण बा कि 1000 रुपया देना। कहलन कि यह तो हमसे गलती हो गई कि हम लिखा पढ़ी ना करोली। कहलन कि लिखा पढ़ी ना करोला एकर मतलब तू झूठ बोलत रहा, पैसा देले बाड़ा ओड़ा ना, झूठे आरोप लगावत हुआ हलवाई पर। राजा रूपक सिंह मने मने सोच गए कि ओहो हो, बुढ़ऊ का इहो बात साँच निकल गई। मुँह देखल पंच होवेलन महीन, कर्मवा के हीन ये बबुआ। यह मुँह देखल पंचायत कहला। आखिर कहल कि ठीक बा भैया, तो कितना भेल तुहार पैसा बोलो उहे ले लो। उल्टे जौन बटे जितना कुछ खैले पीले न हिसाब किताब लिख के हलवाई दोबारा पैसा ले लेलस। राजा रूपक सिंह पैसा चुका के आ चल दिलन। कहाँ गैलन? अपने नगर के गैलन। नगर के जाके कैलन का कि भेज के चिट्ठी ससुरारी में, भेज के चिट्ठी ससुरारी में गवन दिन रखवाए, करे न भोजन रूपक सिंह दुल्हा गैले कोहनाए। अपने घरे जाके राजा रूपक सिंह अपने ससुर जी के नाम से चिट्ठी लिखलन, गवना के दिन भेजवौलन,
गवना का दिन रखवौलन। जहिया गवना का दिन पड़ल तहिया रूपक सिंह दुल्हा बन के ससुराल में पहुँचलन है। रात के बेरा में बरतिया राजा रूपक सिंह सब बैठल बा भोजन करे। सब मुँह ताकत बा कि दुल्हा पहले खाओ तो हम अनिक खाई जा। दुल्हा के रूप में राजा रूपक सिंह खात होत बाणन उड़न। तब राजा रूपक सिंह के ससुर जी अलन आया के कहलन का कहलन जी तू है लगत बाम के खतयाई गयो शहर बनारस से खतयाई गयो। लेकिन ससुर जी दुल्हा से का कहलन बोला का चाही दहेज बबुआ बोला। ए बाबू काहे नहीं खखा आखिर तुहके का चाही का लेब तो खाना खेब खा लो। राजा रूपक सिंह कहलन कि आप जब पूछत हो कि का चाही तो जरूर हमरा दिल में एक इच्छा बा हमारी इच्छा के पूर्ति कर दी जाए हम खा ले। कहलन कि बोला खुल के बोला ए बाबू खुल के बोला। तब दुल्हा के रूप में राजा रूपक सिंह कहलन का कहलन चाह अंग रक्षक के दुल्हा जतवल ए बाबूजी हमार बरतिया देखत हुआ ना हमार अंगरक्षकन के देखत हुआ ना कौनों के देह पर सुबधान रोधनी बाय होए। मैं कमजोरे शरीर वाला बान से एगो हमके हट्ठा कट्ठा अंगरक्षक चाहत बा। कहलन कि मिल जाई कहलन कि मिल ना जाइए। संजोग से बरतिया में खाना खियावत रहल वो संगीवा जौन संगीवा कहले रहल कि नैहर में रस छल कौलस रे जौन उनके लैकिया के मिलनुआ रह। कहलन कि अंगरक्षक चाही राजा रूपक सिंह कहलन कि हमके अंगरक्षक चाही हट्टा कट्ठा शरीर से चुस्त दुरुस्त हो। ससुर जी कहलन कि मिल जाई कहा कि मिल ना जाई। एगो मनई हम देखत हैं ई मनई हमके पसंद बा इहे हमके अंगरक्षक चाही। मांग लेलन के वही संगीवा कहलन कि वही कुछ चाही बेटा। राजा रूपक सिंह कहलन का कहलन चाह अंगरक्षक के दुल्हा जतवल एक हलवाई का चाह फरमवल। हो पाचो पंचन के मांगे सहेज बबुआ बोला का चाही दहेज बबुआ बोला। एगो बढ़िया कारीगर भोजन बनाए वाला हलवाई चाहिए तो हलवाई के रूप में राजा रूपक सिंह वही हलवाई के मंगलन जौन हलवाई बेईमानी कैले रहल उनके साथे। कहलन कि इहो मिल जाई। तीसरका नंबर पर राजा रूपक सिंह कहलन कि हमरी यहाँ न्याय व्यवस्था तनी बड़ा ढीला ढाला बा तो हम चाहते नहीं कि कोनो बढ़िया न्याय देवे वाला पंच आपके नगर में होखें तो वो हमके मिल जाता। कहलन कि जेके कहब वो के हम दे दे पंच। तब पंच के रूप में वो ही लोगन के फरमाइश कैलन जौन पंच लोग बेईमानी से न्याय लोग कैले रहल गलत फैसला लोग कैले रहल सब बात स्वीकार हो गई। रात बीतल सवेर भइल आ जब सवेर भइल तो भइल का अब अगला दिन भोर में
विदाई जब भैली भैया बरात विदा भई रानी के लेके राजा रूपक सिंह चल देलन अंगरक्षक के रूप में तलवार लेके साथे साथे वो मितवा चलल बा न्याय देवे खातिर उनके नगर में चल बान उहे पांचों पंच जोन बेईमानी कैले रहलन हलवाई के रूप में उहे हलवाई जोन राजा रूपक सिंह से धोखाबाजी कैले रहल सब के सब चलल बीच रास्ता में जाके राजा रूपक सिंह पूरी बरात के रोक देलन बरात रुकल बा खाना पीना हो रहल बा आ तब तक से मजदूरन के बुलाए के राजा रूपक सिंह बीच रास्ता में ही एक बड़हन गड्ढा खुदवौलन गड्ढा खुदवा के राजा रूपक सिंह कैलन का अल्लाह बदल दा तनी से ऊपर और बढ़ा के बरहिया में देल राजा खेमा गिरवाए पंचायत बैठाए अरे पूछे हलवाई से रुपया वाली बतिया अब कैले स्वीकार हलवाई कब डेराए एक बड़ा गड्ढा खुदवा करके राजा रूपक सिंह पूरी बरात को लेकर के उसी गड्ढे में पंचायत बैठा दिए। इसके बाद हाथ में तलवार ले लिए राजा रूपक सिंह। पहले गए हलवाई के पास जिसको 1000 रुपया दिए थे, फिर भी उनके साथ धोखाधड़ी किया था। राजा रूपक सिंह हलवाई से कहते हैं कि बोलो, किसी से 1000 रुपया लेकर तुम बेईमानी किए हो कि नहीं किए हो? तब पहले तो हलवाई इनकार के लस, ऐसा मैं कभी जीवन में नहीं किया हूं। कह बोला, नहीं तो गर्दन काट लूंगा अभी। गलत काम किए हो कि नहीं किए हो? कोई तुम्हारे यहां अजनबी पहुंचा था, 1000 रुपया दिया था, 1000 रुपया भी उसका हड़प लिया, और नहीं तो ऊपर से खाने पीने रहने वगैरह का चार्ज भी अलग से ले लिया, ऐसा किए हो? ऊपर नीचे हलवाई ताकतवर। हलवाई कहाँ, साहब आप कैसे जानते हैं? राजा रूपक सिंह कहलन कि पहचानो कौन मैं हूं,
तेरे सामने खड़ा हूँ। हलवाई कहना कि तेरा आप रहला का साहब। राजा साहब कहना कि आप ना रह का तुहार बाप रहें, जैसे तू झूठ बोलल जरा साथी धोखाधड़ी कैल, सही है या गलत पहले बोलो। कहें सरकार गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, सही है मैं आपके साथ धोखाबाजी किया हूँ। तब अब सीधे पलट गए राजा रूपक सिंह कहा पांचों पंच लोगन के पास। पांचों पंच लोगन से कहलन का कहलन, अरे बोला पांचों पंच काहे गलत कैला फैसला। शवत का बात पंच कहन सुनायो, बोलिए बोलिए। अब तो बात स्पष्ट हो गई ना कि राजा रूपक सिंह ही थे। आप लोग क्यों गलत फैसला किए भाई? आप लोगों को तो पहले यह पता लगाना चाहिए था कि बात सही है या गलत है। ये कह दिया और इसकी बात पर आप लोगों ने विश्वास कर लिया, उल्टे हमसे सरखत सबूत मांगने लगे। तो क्यों ऐसा गलत फैसला आप लोगों ने किया? पांचों पंच कहना कि साहेब जब तकली हलवाई की ओर तो हलवाई धीरे से आंख मार देलन। हम अन्य भाषा समझ गए जी, आ कुछ पावे के लालच में ये गलत फैसला कह देनी। कहना कि ठीक, अब तलवार ले ले पहुंच गए अपनी दुल्हन के पास, रानी के पास। और रानी से कहना राजा रूपक सिंह का कहलन, अरे रानी से पूछे कि तुहार काई लगी है। इशारा करके पूछे थुवन के करी ओर, वह जमुना के अंग रक्षक के रूप में मंगले रहा राजा रूपक सिंह। कहना कि रानी हई अंगरक्षक तुहार का लगी हन। रानी बतौलिन का बतौलिन के रानी से पूछे कि तुहार का ही लगी है। तब गांव घर के नाते लगी हन मोरे भाई, रानी बोला ना ये का लगी हन। रानी कहने कि हमारे गांव घर का पड़ोस कहोन ये हमारे भाई लगी हन। राजा कहने कि भाई लगी हन कि कुछ और लगी हन? रानी कहने कि नहीं भाई लगी हन। राजा रूपक सिंह कहने कि दिन में भैया रात में सैया, हमारे के सिखावे तड़ू। पूरा बारात के गड्ढा से बाहर निकलन अंगरक्षक के, रानी के, पांचों पंच के, हलवाई के, सबके वही गड्ढा में जोन बटे तोन मट्टी से ढकवा दहलन। एकरे बाद राजा रूपक सिंह अहिलन लवट के अपने नगर में फिर भेष बदलन, वही रूप में चलन जौना रूप में बुढ़ऊ से वही इनार पर मिला रहलन। गैलन तो बुढ़ऊ दुआरी पर बैठल बाड़न, कहलन कि दादा पा लगी। बुढ़ऊ कहलन कि खुश रह बेटा, के कहलन कि हम ऊ है जौन इनारा पर तो से मिल रही जेके बतौले रहला तीन गो बात। कहला कि तीन गो बात? हाँ हाँ, तीन गो चुतिया के बारे में ना बतौले रहला। कहला कि ओहो हो बचवाई याद पर गई बात। कहला तब काहे दोबारा आईल? कहला कि तीन गो के बतौला लेकिन आधा नंबर वाला चुतिया के ना बतौला। बुढ़ऊ कहला कि बतावा हमार तीनों बतिया साँच बा? कहला कि साँच ना रही तो हम अबे कहे के करते? तुहार तीनों बात सोलह ना नहीं बल्कि कहत सत्रह है ना साँच बा। हम अली हाँ कि आधा नंबर के चुतिया के है। बुढ़ऊ कहलन कि ए बेटा तू वह दिन पूछत रहलन
कि वो औरतिया हमारे बेटी है कि कौन बेसिया हो जौन गाली हमके दे के पानी मंगलस, उ न हमार बेटी है न उ कौन बेसिया है। कहल कि तब के कहलन बुढ़ऊ कि हमार पत्नी है। कहल कि पत्नी? हाँ हमार पत्नी है। देख बेटा हमार उम्र देख उकर उम्र देख कितना अंतर बा। यही से हम कह रहे हैं कि 3.5 चुतिया, आधा नंबर का चुतिया हम हैं। बुढ़ऊ के बात सुनकर राजा रूपक सिंह कहलन कि तनि साफ साफ बताओ। तब बुढ़ऊ बतौलन का बतौलन कि अरे मन करम कहे मन करम फसरी लगा ली बबुआ हमारी गलती पर दे ले हम क्या गाली बबुआ। ए बेटा अब तो यह मन करता कि हम ही फसरी लगा के मर जाए। सो रहा है ना हमार गलती है, हमारी गलती से वो हमके गारी देती या गलती ना के लेती तो वो हमके गारी दे तो ही। कल कि तेन साफ साफ बतावा बाबा काहे तुपले तुपल बात करता। तब बुढ़ऊ राजा रूपक सिंह से कहलन का कहलन कहलन कि 40 वर्ष पार करके ले आईली करके शादी धनियो धर्मवा के भइल बर्बादी। 40 का पार हमार उम्र हो गई रहल तो एकर जवानी रहल तब हम बियाह के लिए से। इहे बताओ बेटा गलती हमसे भइल कि ना भइल। बियाह के ले ली हमारी उम्र में एकरी उम्र में कोनो ताल मिलना। अब हमार ना धन रह गेल बा ना धर्म रह गेल बा, दोनों के बंटा धारी कर देहलस। राजा रूपक सिंह कहल कैसे? तब बतौलन केरे घूम घूम कै घूम घूम समोसा रोज खाली बबुआ हमारी गलती से देले हमके गाली बबुआ। श्रोता सज्जनों से निवेदन है कि यदि आप पूरा बिरहा सुने तो सुनने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। ये समाज के लायक और आज की स्थिति को देखते हुए सही है या गलत। तो राजपुरम सतगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बच्चन चंद्रिका काशी उधर जी छोड़े साथ अब होवेलन 3.5 चुतिया। हाँ होवेलन 3.5 चुतिया लिख के परशुराम अरे लिख के परशुराम बिरहा के बीज बोवेलन होवेलन 3.5 चुतिया।